आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली मेरिडियन में। जी हाँ, बहुत ही पुराना होटल है लेकिन आज भी बहुत ही चमकदार है। नाना प्रकार के आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं अपनी फिल्मों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आज आपके सामने हैं मेरी देश की धरती के निर्देशक फराज हैदर और सुपर टैलेंटेड एक्टर दिव्येंदु शर्मा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ जी, चलिए, गुड इंट्रोडक्शन। या बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेलर देखा है? कैसा लगा आप लोगों को? यार, ये दिल से बनाई हुई फिल्म है और ये किसानों के लिए बनाई हुई फिल्म है। प्लीज इतना कर देना कि पहुंच जाए सब तक। हाँ, प्लीज ये कर दीजिएगा आप लोग। हम उनसे वादा करके आए हैं भोपाल में, जहाँ सियोर करके गांव है जहाँ पे हमने बनाई, उन सबसे बोला हमने कि जो भी आपके मुद्दे हैं पहुँचाएंगे जरूर लोगों तक, और मुद्दों के साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी पहुँचाएंगे। तो प्लीज हमारी हेल्प करिएगा इसमें। आप जानना चाहते हैं किस तरीके वाले मुद्दे सर इस फिल्म में? हाँ, पहले आप, पहले नहीं, आप बताएं पहले मुद्दे। जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे कंट्री के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत पुराना भी है और बहुत अहम भी है। किसान सुसाइड भी करते हैं और उसके अलावा भी बहुत मुद्दे किसानों के ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिसके ऊपर मेरे ख्याल में फिल्म तो शायद बहुत टाइम हो गया कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बनी हो। एक बात बड़ी अच्छी हमारी हो रही थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवानों के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं लेकिन किसानों के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। तो वो कोशिश की है कि इसमें हम किसानों के तमाम मुद्दों की बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उसकी बात करें और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन पर भी हम बात करें। तो ऐसा नहीं है सृष्टि, कैन यू ऑल प्लीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां उनकी जो है वो दिखाई है, हमने उन परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश भी की है इस फिल्म के थ्रू। तो अगर वो हम उसकी वजह से उसकी उसके थ्रू कुछ किसानों को उससे फायदा मिल जाए तो शायद हमारी फिल्म, हम सोचेंगे कि वो कामयाब हो गए हम मकसद में। यार यही बताया, इसके लिए फिल्म देखनी होगी आपको। सारा बता दूंगा तो फिर मतलब मेहनत खराब हो जाएगी। इस तरीके से तो क्या है ना कि इस फिल्म में सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कही है ये बात। आज का किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसके रीजन बहुत सारे हैं। बैंक से लोन हो, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं हमें सरकार से मदद नहीं मिल रही है, बैंक से लोन है तो वो टेंशन है, तो यील्ड कम है। तो इस फिल्म में हमने बस ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे देश का किसान इस लेवल पर होगा कि उसे ना शायद लोन की जरूरत पड़े ना ही किसी की मदद की जरूरत पड़े तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमने कोशिश की है। आत्मनिर्भर उसे ही कहते हैं कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। सो यही दिखाया। दिव्यांदु, आपसे जानना चाहूंगी, इस फिल्म में डायलॉग बहुत जबरदस्त है। इसमें एक आपका डायलॉग है, काफी सुंदर किस्म का नकारा हूँ। तो हुआ, होता ये है कि कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे एक शहर में, जहाँ पे जैसे हर कोई यंगस्टर होता है अपनी एजुकेशन पाने के बाद वो चाहता है एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी लाइफ हो, बट इसके साथ वैसा होता नहीं है। नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है। तो वो जो वो सीन बड़ा मज़ेदार है एक्चुअली। वो उसमें क्या होता है, ये इसकी लाइफ के वैसे ही वाट लगी हुई है पूरी तरीके से। ये एक दिन घर जाता है, हारा थका अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज़ आया ना, कुछ ऐसे ही था ना, दिव्येंदु पहुंचे दिल्ली, आइए दिखाएं। हाँ, तो होता है ये एक अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वो स्टार्टअप हो नहीं पाता है इसका। तो घर पहुंचता है और घर पे मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुला रखा है शादी कराने के लिए। तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि ऐसा है कि मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, किस्मत से नाकारा हूँ। ये जो मुझसे आपकी बेटी के साथ शादी कराना चाहते हैं इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमने एजुकेशन लोन लिया था, वो हमसे हट नहीं पा रहा है, तो आपसे जो दहेज के पैसे आएंगे उससे ये चाहते हैं कि ये करें। तो उस लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस पे
ये कैरेक्टर पहुंच चुका है अपने दोस्त समीर के साथ, जो अनंत शर्मा प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर। तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोनों के, सोचते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लें लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर एनीवन। वहाँ पे कैसे ऑलमोस्ट जो क्लिफ हैंगर वाली बात होती है वहाँ पे होते हैं, और कैसे एक हसीन इत्तेफाक से लोग एक गाँव पहुँच जाते हैं। अब गाँव पहुँच के सबसे पहले तो यही लगता है कि क्या बात है, किसान खुश हैं, फसलें लहरा रही हैं, और वो शादी का माहौल भी होता है, तो नाच गाना भी चल रहा है, कोई खाना भी खिला देता है, बड़े खुश होते हैं। और वहाँ पे बात होती है कि हाँ यार, अब ये आत्महत्या वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने ना बहुत स्ट्रेस ले लिया शहर में रह के, इतना स्ट्रेस लेना नहीं होता लाइफ में, यहाँ पे बहुत सही। ये बात हो ही रही होती है इतनी देर में, कुछ हो जाता है। हाँ, ट्रेलर में देखा आपने, कुछ हो जाता है, इसके बाद नहीं बताएंगे। और वहां से सॉरी मैं ये गाँव वालों की हेल्प करते हैं, उनको फार्मर्स की हेल्प करते हैं, फार्मर्स इनकी हेल्प करते हैं इन अ वे टू फाइंड सम पर्पस इन लाइफ। आपने देख ली? अच्छा, थैंक यू। ट्रेलर में आपने कुछ नहीं देखा है अभी, असली एक्टिंग फिल्म के अंदर बाकी है। जी, ये पूछ रही हूँ मिर्जापुर 3 कब आएगी? उसके बारे में कोई आंसर नहीं दूंगा। यार कम ऑन यार, मतलब मेरे देश की धरती के बारे में। जी जी, मतलब मुन्ना भैया से लेके अजय तक की मतलब क्या जर्नी रही, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई? कोई डिफिकल्टी नहीं आई एक्चुअली, बहुत ही एकदम अच्छी सी जर्नी थी। उम्मीद यही है कि जैसे हर कैरेक्टर के लिए काम करता हूँ, इसमें भी पूरी मेहनत करी है अपनी तरफ से। फराज ने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें यू नो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल इशू की भी बात कर रहे हैं, और ये सोशल इशू सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं है, इस देश के यूथ के बारे में भी है। आज बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, जिससे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा हम जैसे लोग फिर भी फॉर्चुनेट हैं कि जिनके पास कुछ काम है करने के लिए, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको कुछ नहीं पता है लाइफ में करना क्या है। तो ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं ना इस देश की, वो साथ आ रही थी इस फिल्म में। सो आई थॉट कि डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। अच्छी बात ये भी थी कि मुझे कभी गाँव की ज़िंदगी मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूँ, शहर में आप पले बड़े हैं, कुछ ज़्यादा देखते नहीं हैं इधर उधर। इस फिल्म के थ्रू वो जानने का मौका मिला। तो जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था ना, मैं दिव्येंदु शर्मा भी एक्सपीरियंस कर रहा था। तो पहली बार चाहे ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे भैंस का दूध निकालना हो, चाहे गांव वालों के साथ खेत में कुछ काम करना हो, तो सब चीज़ें। क्या बात है, क्या बात है। Yes, but yeah, in some cases, yes, definitely. Freudian slip. Rather than maintaining to be at the top, Mirzapur ke baad aap obviously top level pe aaye. Uske baad last few years, wo pressure ko maintain karna, aur aap consciously ye bhi karte hain ki wo same cheez wo vibe Mirzapur wale repeat na kare. Ji. Ji. Aapne interview mein bhi kaha hai. दो तीन साल कैसे रहे जब से मिर्जापुर की सक्सेस हुई है, और क्या कॉन्शियस एफर्ट आपने जो मेंटेन किया है कि वो सेम रिपीट? तो बिल्कुल जैसा एक्चुअली आपने बोला, कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ एक नया कैरेक्टर करूं, थोड़ा सा रिस्क लूं बार बार, वो थोड़ी सी बाहर से खरीदी। मैं सोचता हूं तो मुझे ये भी लगता है कि यार ये थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात भी है। यू नो एक होता है ना कुआं खोदा आपने पानी पीने के लिए, अब भाई वो कुआं बन गया है तो उसमें से पीते रहो पानी। बट कुछ एक है, ऊपर वाले ने कुछ कर रखा है दिमाग में कि मुझे हमेशा होता है कि अब एक नया कुआं खोदेंगे जाके। तो कोशिश यही रहती है यार, हमेशा कुछ एक नई चीज़ करूँ। मिर्ज़ापुर के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मिर्ज़ापुर ने ना एक आयाम खोल दिया मेरे लिए, आयाम ही बोलते हैं ना, है ना, एक आयाम खोला मेरे लिए, जिसमें मे बी उससे पहले जो मैं कॉमेडीज़ करता था, बॉय नेक्स्ट डोर, हैप्पी गो लकी गाय, क्यूट बॉय, ये सब, उससे एक कॉन्ट्रास्ट मिल गया, एक समवन हु डिड प्लेज लाइक अ डार्क कैरेक्टर, यू नो ग्रंजी दिस थिंग। तो अच्छी बात ये हुई कि नाउ फिल्म मेकर्स आर कमिंग टू मी विद वेरीड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज, और मैंने बहुत मज़ेदार काम किया उसके बाद। तो ये साल में यहाँ से शुरुआत है, तो होपफुली अगले 3-4 प्रोजेक्ट और मिलेंगे आपको। बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक नीचे लिखा लाइन की देश बदल रहा है, तो किस तरह से ये मतलब देश कैसे बदल?
ये तो ये ना ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो ऐसे नहीं होते थे स्कूल में 400 शब्द के लिए लिखिए, कैसे देश बदल रहा है आप बताइए। नहीं बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देता हूँ। एक्चुअली देश बदल रहा है टैगलाइन ऑफ कोर्स इसकी जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, असल में देश हमारा जो है भारत वो कृषि प्रधान देश है, आपको पता ही है, पता होगा 70-60-70% एग्रीकल्चर लैंड है हमारे कंट्री में। तो अगर उस सेक्टर में बदलाव आएगा तो हमारे देश में बदलाव डेफिनेटली आएगा, और वो बदलाव मैंने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर कि उस सेक्टर में किसानों में किस तरीके से बदलाव आ सकता है। तो वही टैगलाइन है कि देश बदल रहा है जो फिल्म में दिखाया गया। ऑल्सो अभी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और अब हम लोगों को ये बातें पता चल रही हैं कि यार हमारी रूट्स जहाँ पे है ना वहीं से जाके हमें कुछ करना चाहिए। लाइक आई नो सो मेनी ब्रांड्स जो कि यू नो वहीं से जाके कुछ सोर्स करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो। तो एक कहीं ना कहीं सोच बदल रही है कि लोगों को मज़ा आ रहा है वापस फार्मिंग की तरफ जाते हुए, और वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है लोगों को। हाय सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। हाय हाय, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी सर, जैसे आप मूवी है मेरे देश की धरती, आपने आते ही बोला कि आपने किसानों के लिए बनाई है मूवी, सर मैं ये जानना चाहूंगी जब आप वहां के गांव में गए, आपने जैसे बोला कि आपने भैंस का दूध निकाला, वो सब एक एक्सपीरियंस जो आपका रहा वहां पर, आपने आपका मतलब एक कैसा एक कोई मूवमेंट वहां पे कि आपको लगा हुआ कि कितना स्ट्रगल करते हैं ये किसान और जिनके लिए आपने ये मूवी बनाई है इतने दिन। जी, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनकी मुस्कुराहट के बीच उन लोगों की स्ट्रगल नहीं दिखती, इतने बढ़िया लोग हैं वो सब। इन एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं आज भी याद करता हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम शायद क्या हम सभी लोग कहीं ना कहीं विलेजेस से ही आए, सिटीज़ तो बाद में बनी हैं, तो वेन यू गो टू अ प्लेस लाइक दैट ना यू ऑटोमेटिकली फील दैट योर DNA रियली कनेक्ट्स विद एवरीथिंग। तो वो जब ये सब सही बातें हैं, मतलब ये मेरी फिल्म आ रही है इसलिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जब आप गाय भैंस का दूध निकालते हैं या मिट्टी में कुछ करते हैं जाके किसानों के साथ जुड़ते हैं, कुछ अंदर से है जो कि लगता है जैसे अवतार में था ना वो पूंछ वो पेड़ से जुड़ जाती थी, एक वो होता था, सो यू एक्चुअली गेट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आपको लगता है कि हाँ यार ये यू नो आपकी पुरानी सोल ने या आपके पूर्वजों ने ये डेफिनेटली कर रखा है। नहीं एक्चुअली इमोशंस की कदर अभी भी उस गांव के अंदर है जो शायद हम शहरों में ना थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी कदर भूल चुके हैं, और वो हमें ना लाइव वहाँ पर देखने को मिला। वहाँ जिस गांव में हम शूट कर रहे थे सीहोर डिस्ट्रिक्ट के गांव में, वो लोग जब उन्हें पता चला कि फिल्म की शूटिंग हो रही है नाउ उनके लिए डेली इतना एक्साइटमेंट रहता था, और वो हमें इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते थे, इवन हमें सबको मालूम है शूटिंग का खाना जो है ना उसे खा खा कर इतनी थक जाता है, तो लिटरली वहाँ के जो गाँव वाले थे वो हमें अपने घर पर बुलाकर अपने हाथ से बना हुआ खाना खिला देते थे मोहब्बत से। मैंने तो जब भी भूख लगी है ना किसी के घर पे खटखटा देता था, जो भी दरवाजा खुलता था बोलता तो भूख लगी है कुछ दे दो, तो वो कुछ पराठा अचार दे देते थे, घर की मिठाई बनी भी दे देते थे, खूब खाया उनके साथ। तो इस मोहब्बत के साथ उन लोगों का सपोर्ट रहा और उनके ऊपर ही फिल्म बनना, उनके मुद्दों के ऊपर बनना, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस फिल्म है, दिस इज वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, इसमें आपको एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एक गहरी बात कहने की भी कोशिश की है। माई फेवरेट थिंग फराज, जो कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी लगा था और फिल्म देख के भी लगा, जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म था ना एक फिल्मों का, जब ऐसी फिल्में बनती थी कि यू नो गांव की चौपाल पे बात हो रही है किसानों के साथ, यू नो खेतों के बारे में बात हो रही है, वो सब है इस फिल्म में। जब फाइनली हमारी फिल्म बन के रेडियो पे मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार ये आपको याद दिलाएगा उस जमाने की जब इस इन मुद्दों पर फिल्में बना करती थी। We used to relate to these you know topics in our life. Actually idea bhi wahi tha because jo Ajay ka character hai Anand jo play kar rahe hai Sameer vagaira ka ye na urban youth hai aur hamare India ke andar do bahut different world exist karte hain agar aap dekhe to ek rural aur ek urban jinme bahut bada gap hai to ye film इनके कैरेक्टर के थ्रू ये कोशिश की है कि उसके बीच में एक ब्रिज बने, वो कनेक्ट दिखाया है वो अर्बन और रूरल वर्ल्ड का जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, और उसकी खूबसूरती आपको फिल्म में देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से वो दोनों मिलकर अगर साथ करें तो शायद ये जो आपने बात पूछी थी कि देश बदल रहा है वो देश बदलेगा। सॉरी वन लिटिल थिंग, इवन इफ यू सी आर पोस्टर ना
ये वैसे ही करा है हमने जैसे हैंड पेंटेड होते थे पहले, तो वो फील देने का कोशिश किया है ताकि यू नो ऑडियंस को एक कुछ ना वो पुरानी कुछ याद वापस आए कि एक तरीके की फिल्में होती थी. सो दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू दैट एरा यू नो इन अ वे. ओके आपने जो पूरी मूवी करी, आपने शूटिंग करी, आपने अपने अच्छे मोमेंट्स किए, तो आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा इसका? यार आई मीन टू मैनी टू पिक एक्चुअली. होगा भी मतलब वो गांव में एक्चुअली एवरी डे वी यूज टू गो देयर, दैट यूज टू बी द हाईलाइट ऑफ आर डे कि गांव जाके शूट करनी है. वहाँ के लोगों से इतना प्यार हो गया था कि हमको ही पता चल गया था कौन सा गांव वाला किस घर में रहता है, यू नो चाय कौन बढ़िया लेके आता है, मिठाई कौन बढ़िया बनाता है, और किसके घर पे यू नो साग सब्जी बढ़िया बनती है, या मटन चिकन कोरमा जो है लिट्टी चोखा कहाँ से आएगा. आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज टू, जो मैं आपसे बात कर रहा था, टू रियलाइज दैट देर इज स्टिल, जैसे बॉडी में 70% पानी है, शायद बॉडी में अभी भी 70% ये फीलिंग्स हैं व्हेन यू गो देयर. तो ये चीजें उतनी पराई नहीं हुई हैं जितना हमको लगता है शहर में रह के हो गई होंगी. एक वन सेकंड ही आस्क्ड या या जी फ्रॉम द टॉलीवुड रिपोर्टर्स. सर मेरा सवाल आपसे है जी, जब भी इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का ये मुद्दा रहता है किसानों के लिए कि कर्ज माफी करेंगे हम आपके लिए, ओके तो क्या आपको लगता है कर्ज माफी एक सॉल्यूशन है चीज का? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि किसानों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कर्ज की, और जिसकी वजह से बहुत किसान आत्महत्या भी करते हैं. मैं इस फिल्म में बात कर रहा हूँ कि हमारा किसान अगर इस पोजीशन पर पहुँच जाए कि उसे कर्ज की, बैंक की, किसी के सपोर्ट की मदद ही की जरूरत ही ना पड़े तो क्या होगा? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो कर्ज की बात ही नहीं होगी. अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा एक्चुअली अगर ये होता है तो ये बाकी चीज़ें तो बेकार हैं. तो सेल्फ डिपेंडेंट वाली जो बात है वो इसीलिए है कि मैं कर्ज वर्ज तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब आज जो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसान हम शायद समझ भी नहीं सकते उसको कि वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता है, शायद वो कर्ज जो होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, क्योंकि मैंने रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा सा ही अमाउंट होता है, और उसके लिए आदमी सब कुछ छोड़कर चला जाता है आत्महत्या कर लेता है. तो यार ये इस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करना पड़ेगा, कर्ज को खत्म नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है वो हम देखें. सो इन दिस फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट दैट that problem. उसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो गर्ल्स वर्स तो बहुत पीछे रह जाएंगे. नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ, क्योंकि इट्स अ इमोशनल फिल्म एंड सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात की है. सरकार आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिल्म जो कि आई थिंक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं देख के शायद इसके साथ जुड़ना चाहे, बट वी फ्रॉम आर एंड नेवर वांटेड टू पॉलिटिसाइज दिस थिंग कि भाई यहां से जुड़ा हुआ है या कुछ है. वी जस्ट वांटेड टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म विद अ मैसेज, क्योंकि मोस्टली अभी आप लोगों ने वो मुद्दा अभी बहुत गहरा मुद्दा हुआ था किसान वर्सेस बिल्स, जो ये बहुत बहुत मुद्दा हुआ था फार्मर बिल्स जो आए थे, अभी वो किस स्टेटस पे है, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका कोई पता नहीं है. लेकिन मेरी फिल्म एक्चुअली पेंडेमिक से पहले हमने शूट की है, और वो बिल्स जितने भी आए वो पेंडेमिक के टाइम आए, यानी कि हमें पता भी नहीं था कि ऐसा शायद बिल भी हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो अब कुछ लोगों ने उसमें पक्ष बना लिया, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं. हमें पता ही नहीं था जब वो कि ये दो पक्ष की बात हो रही है, हमने तब फिल्म बनाई है. तो हमने तो एक सॉल्यूशन जो हो सकता है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नाराज ना करें, फिर भी ठीक हो सकता है दोनों नाराज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. लोग आप सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं दोनों तो नाराज नहीं हो जाएंगे कि आप इनको भी खुश कर रहे हैं, इनको भी खुश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको खुद लगेगा ऑडियंस खुश रहनी चाहिए. आपके पीछे जिन्होंने नहीं पूछा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यू नो. एक मिनट, आप पूछो. हेलो सर, आई एम शेरी कॉल फ्रॉम 10 इयर्स. हाय, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी लाइक एज एन एक्टर, जब आप वहां गए तो आपको क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस हुई इन प्रेपिंग फॉर द रोल, आल्सो वहां पे रहने पर भी, और एंड आल्सो कोई ऐसी चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ा हो ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म, या कि कोई चीज की नहीं करना? आई टेल यू ऑनेस्टली कुछ ऐसा डिफिकल्टीज नहीं आया था, बिकॉज द विलेज वी वर शूटिंग इज नियर टू भोपाल, हार्डली आर एंड अ हाफ यू नो आवर्स अवे. इट्स कॉल्ड सियोर एंड वेरी नाइस नीट ब्यूटिफुल विलेज, जहाँ पे कुछ ऐसा एक्चुअली हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया.
इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर ऑल्सो, लाइक आई सेड, लाइक हाउ आई देवियंतु वॉज डिस्कवरिंग विलेज लाइफ एवरी डे, सो वॉज माई कैरेक्टर. सो एवरी डे वॉज एक्चुअली लाइक अ न्यू इवेंट इन आर लाइफ, यू नो, कि आज क्या सीन कर रहे हैं, आज वो वाला सीन कर रहे हैं, आज क्या करेंगे, आज ये वाला करेंगे. सो इट वॉज एक्चुअली लाइक अ वेलकम चेंज फॉर मी. सर जी, सर अनंत जी के साथ आपकी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनसे काम करने का आपका एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा, कि आपका प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, प्यार का पंचनामा सॉरी, उसमें जो आपका केमिस्ट्री को एक्टर्स के साथ रही है बहुत अच्छी रही है, तो अनंत जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही, थोड़ा सा बताइए. सो लकीली हुआ क्या, ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है अपने आप में, कि मी एंड अनंत वी गो रियली वे बैक, क्योंकि हम कॉलेज के दोस्त हैं, करोड़ीमल कॉलेज के हैं ये दोनों दोस्त, दिल्ली में KMC प्लेयर्स में हम वहाँ पे थिएटर करते थे साथ में, एंड बैचमेट्स हम दोनों ने साथ मिलके प्लेस बनाए हैं, एक्ट करा है उन दोनों में, और आज कैसी बात है कि इतने साल बाद एक फिल्म बनती है जिसमें हम दोनों एक्ट कर रहे हैं एज फ्रेंड्स ओनली. और मुझे ये पता भी नहीं था क्योंकि मैंने देवेंदु को कास्ट किया, उसके बाद मैंने अनंत से बात की, अनंत को भी जो कैरेक्टर है वो बहुत पसंद आया, तो उसने पूछा कि ये अजय का रोल कौन कर रहा है, तो मैंने कहा देवेंदु, तो वो हंसने लगा और फोन निकाला और सीधा देवेंदु को फोन लगाया और बोले क्या डायलॉग कुछ बोला था उसने, अब जय वीरू को साथ काम करे टाइम आ गया है. सो दैट वाज द केमिस्ट्री जो इनकी पहले से थी, सरप्राइज मुझे ये मिला कि वो मेरी फिल्म के लिए बहुत जरूरी थी, ऑटोमेटिकली इनके साथ थी, तो बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बना है. एंड वी एक्चुअली यूज्ड टू टॉक इन आवर थिएटर डेज कि यार बॉम्बे जाएंगे एक दिन, लाइक हाउ एवरीवन टॉक्स नो, कि बॉम्बे जाएंगे फिल्में करेंगे और यार मजा आ जाएगा कभी साथ काम करने को मौका मिला तो. इट्स आई मीन इट्स दैट नाइसली ईरी व्हाटएवर. हे जी, जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी काफ़ी इंटेंस प्रोजेक्ट रहा क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी पे है, तो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माय लाइफ. वो एक रात की कहानी है एक्चुअली, उसके बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं, बट द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड. आई मीन वी डन विद द शूट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो बाई द ईयर एंड यू शैल सी. हेलो, हाय हमारी प्रोड्यूसर, सॉरी नहीं सॉरी, हम जल्दी आ गए थोड़ा सा. जी हां, आकाश फ्रॉम filmikra.com. माय क्वेश्चन टू यू इज, एज जैसे आपने जब आप गांव गए तो आपने देखा कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइस आर डूइंग अ फिल्म बेस्ड ऑन दोस डिफिकल्टीज, एज एन इंडिविजुअल और एज अ कास्ट क्रू यूनिट, क्या आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्या आपने कुछ किया गांव वालों के लिए, जो आपने मतलब आपको एज एन इंडिविजुअल कैसे किया आपको लगा? आई गॉट योर क्वेश्चन, आई मीन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ इट वाज सो नाइस, बिकॉज़ वी वर नॉट जस्ट शूटिंग देयर, वी वर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद द विलेजर्स देयर. सो टू बिगिन विद, टू शूट देयर एवरी डे यूज्ड टू बी सच अ फन थिंग, बिकॉज़ इट वाज ऑलमोस्ट लाइक डूइंग थिएटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग एवरी डे इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, तो वो रोज देखते थे आके कि हाँ ये चल रहा है, तो उनके चेहरों से हमें पता चल जाता था कि टेक वेक ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ऑल्सो यूज टू यू नो, सो वेन वी यूज टू हैव सीन्स वेयर यू नो वी टॉकिंग अबाउट फार्मिंग, दिस इज हाउ इट शुड बी डन, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, सो दे यूज टू रियली पार्टिसिपेट एंड लिसन टू आर यू नो कॉन्वर्सेशंस इन द सीन वी वर डूइंग. सो सीन खत्म होने के बाद जैसे कैजुअली आई यूज टू आस्क देम कि हाँ जी ठीक है, सो दे यूज टू बी कि हाँ सही. देन लाइकवाइज वी ऑल्सो यूज टू क्रॉस चेक विद देम कुछ टेक्निकलिटीज, जो हम जैसे छोटी छोटी बुआई की बात कर रहे हैं, कटाई की बात कर रहे हैं कि भाई हम ठीक कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं है टेक्निकली, तो वो लोग उसमें अपने को राय देते थे. फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई सर, थोड़ा जानना चाहे तो फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ? सीहोर, सीहोर में हुई, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और बॉम्बे. सबसे पहली चीज होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए. सेकेंडली इफ यू फील दैट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर मटेरियलिस्टिक आई मीन गोल्स वी हैव इन लाइफ, इट्स नॉट गोइंग वेल, देर आर अदर थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ, यू नो समटाइम्स हेल्पिंग समवन माइट गिव यू द पर्पस यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ. सो कहीं ना कहीं शायद इन लिविंग आर लाइफ ऑल्सो वी हैव बिकम वे टू सेल्फिश दैट वी ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट आवरसेल्फ्स. It's time that we do our thing also and just go out, and in this case like how we were there to you know help the farmers,
सो ट्राई टू डू योर मैम मेरा सवाल आपसे है जैसे सर ने बताया कि उन्होंने एज अ कंट्रीब्यूट उन्होंने किया तो एज अ प्रोड्यूसर व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड ऑन योर पार्ट इज लाइक ही वाज यू वर नॉट एक्टिंग आई अंडरस्टैंड दैट बट ही वाज एन एक्टर सो शी वाज एन एक्टिंग प्रोड्यूसर सो व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड और आपको क्या उम्मीद है इस मूवी से एज अ प्रोड्यूसर के आगे क्या फ्यूचर हो सकता है क्या बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हमारे चेयरमैन का है और हम लोगों ने वी आर एक्चुअली कमोडिटी ट्रेडर्स तो हमें पता है कि फार्मर्स की पैरिटी क्या होती है और क्या इश्यूज़ हैं जो टेक्निकली यहाँ पे मिसिंग है आई वुड से अभी इम्प्रूव हो रहा है बहुत सारी चीज़ें बट बहुत सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है टेक्निकलिटीज हैं और फार्मर्स सुसाइड एंड फार्मर्स इशू इज सो सेंसिटिव इट्स लाइक अ नेशनल इशू And since we come with that experience, why not? So that's the contribution of the concept and... And do you believe there is going to be a significant change in the coming future just because of the film? See, basically movie is a platform. Nobody can disagree. It's quite influential platform. And utilizing this platform and the power big production house in a right way, yes. in contributing national issue, I think there is a brilliant future. देखिए एस सच नहीं आई मीन हम एक स्क्रिप्ट लिख के गए थे वहाँ तो जो रास्ता आप बता रही हैं वो शायद थोड़ा डॉक्यू ड्रामा वाला रास्ता होता है जहाँ पे आप जाते हैं यू गेट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड देन यू मेक इट नो बट द स्क्रिप्ट वाज इन प्लेस हियर देयर वर डेफिनेट इश्यूज वी वर टॉकिंग ऑलरेडी वी वर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन टू फार्मर्स देन यू नो डिफिकल्टीज दे फेस सो एस सच कुछ ऐसा नहीं बट यू आर जस्ट रियलाइजिंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे इन लाइफ के लाइक हाउ यू नो बिकॉज Because of lack of education, small things are a very big thing there. You know, like we talk about a very basic thing of soil testing in our field. You know, कि जब आप फसल उगानी शुरू करते हैं उससे पहले आपको soil test जरूर कराना चाहिए कि आपकी फसल किस चीज आपकी मिट्टी में क्या उग सकता है क्या नहीं उग सकता वो है These small small things also at times they don't really know. That was our contribution towards you know when we used to you know perform those scenes you know we used to you know tell them कि भाई हम ये ऐसे कर रहे हैं आपको they used to agree with us. गावा से इतना interest लेके सुनते थे सब इन लोगों से बातें करते थे पराजय से बातें करते थे और शायद evening session यही होता था कि आप हमें भी बताओ कि हम क्या कर सकते हैं उन्होंने फिल्म पहले देख ली है सुनकर देख ली है उन्होंने अपना contribution भी दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं इस फिल्म में उससे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि बहुत इमोशन बेसिस पर ये फिल्म बनाई है इमोशनल फिल्म है एक किसान का इमोशन क्या होता है क्या रीजन होता है उसके पीछे क्या मुद्दे होते हैं वो एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बनी है तो थ्रू दीज कैरेक्टर्स करेक्ट थ्रू दीज कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स ह्यूमन स्टोरी It's not a documentary, we have एक entertaining film भी बनानी तो ये बात ध्यान रखना था कि किस तरीके से कितने मुद्दे की बात कर रहे हैं उस मुद्दे की बात करने में ऐसा ना हो कि इमोशन कहीं पीछे रह गया तो वो भी ध्यान रखना था तो that I think he brilliantly balanced in this film. सर किसानों के लिए बनाया गया मूवी किसानों को कैसे पहुंचाएगी एक्चुअली जो किसान है ना वो फिल्म देखने जब जाते नहीं देखिए पहली बात तो ये कि ये सबके लिए बनाई गई मूवी है सिर्फ किसानों के लिए नहीं बनाई है हमने आप सबके लिए बनाई है अर्बन यूथ के लिए बनाई है क्योंकि हमें जाके उनकी हेल्प और जहां तक आपने बात की कि किसानों तक कैसे पहुंचेगी बिल्कुल ये हमारी प्रोड्यूसर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हम तक भी पहुंचे और आप तक भी पहुंचे और हम लोगों ने अभी हम जहां जहां जा रहे हैं और जहां जहां प्रमोट कर रहे हैं वो किसानों को ही ध्यान में रख के कर रहे हैं इनफैक्ट हम लोगों ने फार्मर्स के लिए शो रखा है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग फार्मर्स के लिए रखी है हालांकि उनको डेली अगर आ जाएंगे कहीं पे तो मजदूरी देनी पड़ती है व्हाटएवर बट एज अ प्रोड्यूसर फॉरगेट अबाउट प्रोड्यूसर एज अ होल टीम वी रियली वांट टू मेक श्योर कि फार्मर्स ये फिल्म देखे और फार्मर्स के बच्चे पूना में कितने स्टूडेंट्स हैं जो फार्मर्स फैमिली से है बॉम्बे में कितने सारे लोग हैं पंजाब में दिल्ली सो
आप जाइए वापस और प्लीज आपको आपके पेरेंट्स को लेके जाइए और जरूर दिखाइए फिल्म और आई एम श्योर दे विल एग्री टू व्हाट वी आर शोइंग एंड दे विल इंप्लीमेंट इट एंड आल्सो यू नो व्हाट पता है क्या होता है एट टाइम्स द पर्सन हुज इन अ प्रॉब्लम उसको वो दिखा के हो सकता है वो चीज सॉल्व ना हो पाए बट यू कैन शो दैट थिंग टू अदर पीपल हु कैन सी दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द आउटसाइड एंड गो एंड यू नो रेस्क्यू देम सो ओनर सिर्फ किसानों पे ही नहीं आपके और मेरे जैसे लोगों पे भी है जिनके लाइफ में कुछ पढ़ाई करी है चाहे उनकी हेल्प करें मैं ये नहीं कहता साल के 365 दिन आप गांव में बिताइए लेकिन अगर 3 दिन भी आप बिता पाए सिर्फ किसानों के साथ भी नहीं लोकल हैंडीक्राफ्ट वर्कर जो होता है या छोटे लेवल पे जो काम करने वाला होता है लेकिन आई थिंक अब जरूरी है हमारी इंटरवेंशन किसानों से लिमिटेड नहीं है जैसे फराज भाई कैप्टन ऑफ द शिप उन्होंने जिस तरीके से ये नरेट किया है फिल्म को कोई डार्क सब्जेक्ट तो है लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है दो यूथ है उनका डिप्रेशन है कैसे वो लोग सारी चीजें चेंज करते हैं अब इट्स एंटरटेनिंग मूवी इट्स एंटरटेनिंग मूवी और आज ही हमारा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है मेरे काजा देने तो इस डांस बहुत टाइम बाद आपको कोई ओरिजिनल आइटम सॉन्ग सुनने और देखने को मिलेगा आपने देखा कि नहीं क्योंकि ज्यादातर अभी रीमेक आइटम सॉन्ग बन रहे हैं लेकिन एक मेले के अंदर जो पुरानी यादें होती थी ना कि मेले के अंदर एक नौटंकी हुआ करती थी जिसमें स्टेज के ऊपर डांस हुआ करता था उसमें सारे गांव वाले इन्वॉल्व होते थे तो वो एक गाना आज लॉन्च हुआ है हमारा टिकटॉक उसका टाइटल है और उसमें कमाल का डांस किया है देवेंद्र ने कमाल का डांस किया देखिएगा जरूर